हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आज साहिन भाई के पास जा रहा हूँ और वो कहाँ रहते हैं, कंपनी ने गेस्ट हाउस दिया है भरूच में। हाँ वो कैसा है, कितना बड़ा है, कितने पैसे लगते हैं, मैं आप पहुंच के आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये NH-48 है जो हमारे घर से महज 100 मीटर की दूरी पे है। क्योंकि ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट का काम चल रहा है जो अभी कंस्ट्रक्शन में है। ये एयरपोर्ट हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर पड़ेगा। दोस्तों बारिश बहुत हो रही थी, मैं राजन भाई के पास पहुँच गया हूँ गेस्ट हाउस में। फ़ोटो बहुत क्लियर आ रही है दोस्तों। राजन भाई से मिले मुझे 3 महीने हो गए हैं, जबकि हम पास ही पास सिटियों में रहते हैं, मैं अंकलेश्वर वो भरूच, फिर भी नहीं मिल पा रहे थे। और भरूच मेरा हर रोज़ जाना आना रहता है, फिर भी नहीं पॉसिबल था मिल पाना। आज बहुत दिन के बाद मिल पाऊंगा। अंडे बना रखे राजन भाई ने। राजन भाई ने नहीं बनाया, बनवाए हैं। दोस्तों खाना खा के मैं आपको दिखाऊंगा पूरा व्यू और बताऊंगा कितना रेंट लगता है दोस्तों इसका, कितने लोग रहते हैं। ये किचन है और किचन में ही के बगल से बाजू से ये डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। और इधर ये ऊपर जाने के लिए जीना है, ये हॉल है। दोस्तों ऊपर चलते हैं, ऊपर एक दो बेडरूम है। ये पहला बेडरूम है, इसमें एसी वगैरह लगा हुआ है और ये एसी से अटैच बाथरूम है। ये दूसरा बेडरूम है, यहाँ कई सारे बेड पड़े हैं, यहाँ वर्कर्स को रखते थे। और एक नीचे बेडरूम है, ये तीसरा बेडरूम ये है, इसमें भी एसी लगा हुआ है, यहाँ पे स्टाफ रहते थे। दोस्तों टोटल 3 स्टाफ रहते थे और वर्कर्स रहते थे इनके यहाँ पे। झारखंड राज्य, झारखंड। उधर तो खूब चलता है, उधर क्या है वो माओ, वो ज्यादा है ना, माओवादी बोलते हैं क्या, तो बगल है मेरा, उधर है ना, बगल में तो है मेरा सारंडा, बगल में है ना, रौनकेलार जगदलपुर, इसीलिए पीछे तो डर लगा रहता है कि माओवादी रहते हैं। बोले अभी तक डर लगता है, बोले अब बोले मेरे को मजा आता है, बोले ढूंढ रहे, बोले अब डर कहाँ लग रहा है, डर लगता तो आपको छोड़ के रात को नीचे आते अकेले गेस्ट हाउस में 3 बालकनी है इस टाइप की, PHK है। और इसमें 3 इनके स्टाफ और कुछ वर्कर्स रहते हैं। और इसके अगर रेंट की बात करें तो 35,000 पर मंथ का रेंट रेंट है इसका। और लाइट बिल वगैरह वगैरह अलग है, फिर ये सारा कंपनी पे करती है इनकी। और अभी राजन भाई अटेंडेंस लगाने गए हैं, अभी क्या इनका ऑनलाइन अटेंडेंस लगता है और गेट पे जाने से पहले ही। कल आज सुबह उसके बाद दिखाएंगे, अपडेट नहीं करना है। दोस्तों राजन भाई देखो चाय बना रहे हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, नौकरी करना इतना इजी नहीं होता है बाहर। तो 9 बजे डाल देना है, पहुंचे कंपनी वो टाइम नहीं पे रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे हम अलग गए, वैसे तो कंपनी में जाके लगता है। अच्छा अभी तो अप्रूवल लिया है HR से, दूरों से। तो ये सही है ना, घर रह के डाल दो।